तो शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुड़ासमा हाल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधित कर रहा है, सीधा रहेशु त्या। रोल बेल बेल बोल हाँ बोलो रोल ओके रोल अगर कैबिनेट में चर्चा ने निर्णय थया बाद चालू महीना ने 11मी तारीख थी धोरण 10 अने 12 नु शिक्षण कार्य चालू करी देवामां आव्युं छे। शरूआतथी ज खूब संतोषकारक रीते बाळकोनी हाजरी पण जोवा मळे छे। वालीओए पण संमति पत्रक खूब मोटा प्रमाण में आप्या छे। दिवसे ने दिवसे हाजरीनी संख्या में पण संतोषकारक वधारो थई रह्यो छे अने लगभग लगभग धोरण 10 अने 12 नुं शिक्षण कार्य पूर्ववत सामान्य स्थिति में चालतु होय ए रीते संतोषकारक रीते चाली रही है। केन्द्र राज्य सरकार ने नक्की थयेली तमाम एसओपी नु पण पालन थई रह्यु छे। आ संतोषकारक स्थिति ने ध्यान में राखीने आज रोज मळेली माननीय मुख्यमंत्रीश्री ने अध्यक्षता में केबिनेट में निर्णय लेवामां आव्यो छे के 1 फेब्रुआरी थी धोरण 9 अने 11 ना वर्गोनुं शिक्षण कार्य पण शुरू करवामां आवशे। तारीख 8मीए शिक्षण विभाग द्वारा जे ठराव थयो जे सूचनो करवामां आव्या जे एसओपी जाहिर करवामां आवी एज सूचनो एज एसओपी नुं चुस्तपणे पालन 1 तारीख थी शुरू थतुं धोरण 9 अने 11 ना शिक्षण कार्य में पण एज लागू करवामां आवशे। ट्यूशन क्लास पण 1 तारीख थी चालू करी शकाशे एने पण राज्य सरकारनी एसओपी संपूर्णपणे पाळवानी रहेशे। ट्यूशन क्लास में जेवी रीते सरकारी खानगी 9, 10, 11 अने 12 चालू करीए छीए तेवी ज रीते ट्यूशन क्लास पण 9, 10, 11 अने 12 ना ज चालू करवाना रहेशे। कॉलेज अंगे उच्च शिक्षण में बहारथी आवता अने होस्टेल में रहता विद्यार्थीओनुं प्रमाण एवरेज 15-20% होय छे अने समरस होस्टेल होय अन्य सरकारी के खानगी होस्टेल कोरोना दरमियान क्यांक क्यांक COVID-19 ना केन्द्रों पण चालू करवामां आव्या हता ए हवे लगभग लगभग खाली पण थई रह्या छे। आ संपूर्ण स्थिति नी चकासणी अने अभ्यास करवा माटे बन्ने शिक्षण विभाग अने आरोग्य विभागना सचिवो आ होस्टेलनी स्थिति
ની ચકાસણી અને અભ્યાસ કરીને ત્વરિત રિપોર્ટ આપશે એટલે ઉચ્ચ શિક્ષણનું કાર્ય પણ હવે પછી તારીખ જાહેર કર્યા બાદ શરૂ કરવામાં આવશે। કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ જોશીએ કહ્યું છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણની જે કોલેજો છે તરીકે ડેન્ટલ હોય કે એન્જિનિયરિંગ હોય ફીસ માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તો એક સત્રની ફીસ માફ કરવામાં આવે એવી એમની માગણી છે।